नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। बेतिया में एक कोचिंग छात्रा ने अपने टीचर के साथ भागकर शादी रचा ली। लड़की के परिजनों ने लड़के सहित 5 लोगों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद लड़की ने वीडियो जारी कर अपने अपहरण को नकार दिया। वीडियो में लड़की बोली कि उसने खुद अपने टीचर को भगाकर शादी की है। अब उसने परिजनों से झूठे केस को वापस लेने की मांग की है, नहीं तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की चेतावनी भी दी है। जिले के सिरिसिया ओपी थाना इलाके की इंटरमीडिएट छात्रा अंजलि ने अपने कोचिंग के टीचर को खुद ही भगाकर शादी कर ली। दरअसल मित्रौली चौक के ब्रिलियंट कोचिंग में अंजलि 3 सालों से पढ़ रही थी। इसी दौरान उसकी अपने कोचिंग टीचर चंदन से नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। अंजलि ने वीडियो वायरल कर पूरी कहानी को बताया। बीते 12 दिसंबर को अंजलि भागकर अपने घर से बेतिया आई। प्रेमी चंदन के जरिए शादी के लिए दबाव बनाने लगी। फिर जब घर वाले नहीं माने तो दोनों ने शादी कर ली। लड़की ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने परिजनों को चेतावनी दी है कि उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाएं, वरना आप लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटूंगी। मेरे जिद्दी स्वभाव को आप सब लोग जानते हैं। अंजलि ने वीडियो में खुद को 21 साल का बताया है। उसने बेतिया के जिलाधिकारी यानी DM और SP और थानेदार से खुद की और पति सहित ससुराल वालों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। लड़की ने अपने घर वालों पर आरोप लगाया है कि वो लोग उसके पति को जान से मार सकते हैं और तेजाब से हमला भी कर सकते हैं। मैं अंजलि कुमारी, पिता सुनील कुमार यादव, उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसौरी, थाना सिरिसिया, ओपी, जिला पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा हुआ तारीख 12 दिसंबर 2022 रविवार दोपहर लगभग 2 बज रहा था। मैं घर छोड़कर खुद की मर्जी से बेतिया पहुंची। मैं जब घर छोड़कर मेन रोड पर आई, उस समय मैं अपने पति के पास कॉल की और बोली, मैं घर छोड़ दी हूँ, आना है तो जल्दी आइए, वरना मैं गाड़ी के नीचे आकर मैं अपना जान दे दूंगी। ये बात सुनकर मेरे पति को आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत समझाने की प्रयास किए, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी और गाड़ी पकड़कर बेतिया पहुंची। वहां मैं अपने पति को जबरदस्ती बुलाई, चूंकि वो आने से मना कर रहे थे। कैसे भी डरा धमका कर मैंने उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद मैं खुद की मर्जी से बिना किसी के दबाव में अपने पति से शादी की। इसके बाद मेरे पति को गोली मारने, तेजाब गिरा कर मारने और धार धार हथियार से जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, मेरे पति के माता पिता, भाई भौजाई, बहन, मौसा मौसी को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज कराकर हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। शायद ये बात मेरे माता पिता को अच्छी प्रकार से मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि ऐसा करने पर मेरे माता पिता द्वारा मेरे पति और मेरे पति के संबंधियों पर झूठा FIR दर्ज कराने की कोशिश की जाएगी, जो झूठा और बेबुनियाद होगा। हमारे जिला के DM और SP तथा सिरिसिया OP के थाना प्रभारी महोदय से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यदि मेरे माता पिता द्वारा FIR दर्ज कराई जाए तो उस पर कोई कार्रवाई न की जाए। मैं जहाँ भी हूँ अपने पति के साथ खुद की मर्जी से शादी करके खुश हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि इस शादी से मेरे पति के गांव के कुछ लोग मेरे माता पिता के साथ मिलकर FIR दर्ज कराएंगे। जो भी लोग मेरे और मेरे पति या मेरे पति के परिवार वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, उन सब लोगों पर मैं FIR दर्ज कराऊंगी और कोर्ट कचहरी घसीटूंगी। अंत में मैं चाहती हूं कि मुझे मेरे पति के परिवार वालों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए। धन्यवाद। ताजा अपडेट के लिए वीडी टीवी भारत से जुड़े रहें। नमस्कार।